आर यू एच जी, आर यू एच एस आर यू राजस्थान यूनिवर्सिटी, आर यू राजस्थान एच से हो आप? राजस्थान राजस्थान यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। किसमें करता है ये, जयपुर में या राजस्थान? जयपुर में, मतलब जयपुर में यूनिवर्सिटी है, जयपुर यूनिवर्सिटी के नाम से आती कोई और है? नहीं सर यही है जी। सर अच्छा चलो कोई नहीं, तो उसमें क्या हुआ था बताइए। अच्छा मैं एग्जाम दे रहा था सर, वेटिंग करने की है सर, पता नहीं सर फेल करने की चिटिंग पड़ेगी सर, वो फेल करने के कारण पर्ची थी सर, वो सर फेल वो करने के तुम्हारी थी कारण किसी और की थी? तो पता नहीं किस, तो पता नहीं किसकी थी। उन्होंने मेरे को पकड़ लिया सर, और मेरे कोई मतलब एक गेर उन्होंने मतलब कौन सा यार है, बीएससी है, बीए, बीकॉम में? अच्छा सर मैं बी फार्मेसी। बी फार्मेसी में हो आप, कोई नहीं। तो बस यही है यार कि आपको पकड़ गई है, और उसमें दूसरी कॉपी दे दी आपको, तो आपको फिर यही करना पड़ेगा कि टीचर कहाँ, सेंटर तुम्हारा बाहर गया था या फिर स्थायी था? सेंटर हमारा मतलब हमारा कॉलेज तो कॉलेज से अलग है सर, सेंटर सर कॉलेज से अलग था, दूसरे कॉलेज के अंदर रहने था सर। अच्छा तो आप क्या करिए, ऐसा है कोई नहीं, सेंटर लग था फिलहाल, आप तैयारी करिए थोड़ी यार, यही करना पड़ेगा। कोई टीचर आपका जान पहचान का है फार्मेसी कोई नहीं का? मान लेंगे। हाँ जी सर, फार्मेसी का कोई जान पहचान का टीचर है जिसमें आप इस कॉलेज में पढ़ते हैं, उनसे यस सर, उनसे बात करना और उनसे कहना ऐसी ऐसी बात हुई है, ठीक है? क्योंकि फार्मेसी में मैं कुछ कह नहीं सकता, फिलहाल सब कुछ चलता है आज के ज़माने में, उनका कुछ होगा रिलेशन, मतलब मान सकते हो कोई जान पहचान का हुआ, ठीक है? सर तो अब वो ठीक हो सकता है। तो थोड़ा सा ये देख लेना एक बार ट्राई करके, उनसे कहना कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो यदि वो करा देते हैं, थोड़ा बहुत दे देवा के करा लेना काम हो जाए तो। वो लेटर आएगा सर, उसके क्या करना सर? लेटर अभी नहीं आएगा, कब पेपर हुआ था तुम्हारा? आज ही हुए सर। आज हुआ है ना, तो अभी नहीं आएगा, वो आएगा कम से कम आपको मान लो वही 1 महीने के अंदर। जब आप उससे पहले करा लोगे ना, उससे पहले जो भी काम करा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेटर भी नहीं आएगा, सीधे रिजल्ट आएगा आपका, वो भी पास का आएगा। यदि सर आपका, मैं तुरंत एग्जाम होते ही सर बाद जाके जयपुर यूनिवर्सिटी के वहां पे करवा सकता हूँ सर। नहीं तुम अपने कोई टीचर से कंफर्म करो, जो आप, जो आपके कॉलेज के टीचर है ना, वो आपको सही गाइड करेंगे। उनसे कहना रिक्वेस्ट करके, सर कुछ भी हो जाए तो प्लीज़ आपका कुछ हो, मतलब जैसा पेरेंट्स भी वाले है। के साथ में सर, हाँ, उनसे कहना कि जो भी होगा मैं खर्च कर सकता हूँ सर, प्लीज़ यार ये मेरा हो ना, 1 साल बर्बाद हो जाएगा ना वरना आपका, ठीक है? वो मेरी तो सुनेंगे नहीं सर, सर वो मेरी तो सुनेंगे नहीं सर, पेरेंट्स साथ में होंगे। क्यों? स्टिक होता है सर, आपके जो टीचर होंगे ना, क्लास टीचर जो होते हैं, यस सर। हाँ, वो बिल्कुल सुन लेंगे आपकी बात को ना, तो वो आपको किसी तरीके से गाइड करेंगे। क्योंकि जैसे मैं यहाँ, एक फार्मेसी कॉलेज है, तो वो कहते हैं कि कोई बात हो तो बताना, तो यहाँ तो अलग है, हमारा यूपी है, तुम्हारा यार वो है, ठीक है? लेकिन सर वो कुछ फिर से कहेंगे कि आपने निकल पा रही है सर, विश्वास तो बहुत करते हैं सर। देखो सुनो तो, उनसे ये कहना, मुझसे मेरी ये चीज नहीं है। तुम अच्छा ये बताओ, नकल की थी उसमें से देख के, नहीं की थी तुमने? नहीं सर बिल्कुल भी नहीं करी, पर उससे मेल खाना था, अगर मैं सर अगर उससे मेल किया जाए तो 10% भी नहीं मिलेगा सर, लेकिन अच्छा क्वेश्चन वही था सर। क्वेश्चन वही था, तो यस क्वेश्चन, सर अच्छा क्वेश्चन आंसर वही था ना। चलो कोई नहीं, ऐसा करो तुम एक बार टीचर से कंफर्म करो, जो आप क्लास टीचर हैं उनसे कहना कि सर ऐसी सी बात है, क्योंकि पीसीआई उसका अलग पड़ता है ना। अब हमारा अलग है यार, हमारा यूपी पीसीआई पड़ता है, मैं यूपी से हूँ रेगुलेशन सिस्टम एक सही होता है सर। ना, होता एक सा है, मैं नहीं, सिस्टम एक जैसा नहीं होता, वो होता एक जैसा है लेकिन अलग है ना वो चीज़। एक राजस्थान है, हम यूपी से हैं, तो काफ़ी अलग हो जाता है ना, डिफरेंट। तो एक बार अपने कॉलेज टीचर जो है आपका, उनसे एक बार कंफर्म करिए कोई दिक्कत आ रही है, फिर मुझे बताना जैसे भी कोई बात हो क्या हुआ, ठीक है? वो क्या कह रहे थे तुम्हारे टीचर, कुछ गाइड किया नहीं किया, आपको कुछ ना कुछ रास्ता बताएंगे ज़रूर वो, ठीक है? एक बार चेक करके देखो, कोई दिक्कत नहीं है, कह के देखो कि मैंने, मैंने कह रहा कि मेरी नहीं थी वो नकल, पता नहीं किसने मेरे पास फेंक दी, मुझे ध्यान नहीं दिया मैंने,
अब मैंने दे वो जब आई थी टीम तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया। वो कह रहे थे लेकिन मेरे से मैथ्स नहीं खाती, ऐसे बोलना अपने टीचर से। अब बताओ सर क्या कर सकता हूँ मैं इसमें, ठीक है ना? ऐसे एक एक रास्ता, मतलब एक पूछो उनसे, थोड़ा सा एडवाइस लो। जी, इसके अलावा बस यही है, या तो फिर आप कुछ इसके अलावा, यदि टीचर आपका साथ नहीं देते हैं तो एक लेटर जरूर आएगा कि आप क्या अपने फीडबैक देना चाहते हैं, मतलब फीडबैक क्या रहेगी। अब अपनी अपनी मतलब आपको कुछ एक दिया जाता है कि आप अपनी सफाई के लिए क्या बोलना चाहते हैं, तो क्या लिखना चाहते हैं, तो एक लेटर आपको इधर से रिप्लाई देना पड़ेगा, फीडबैक देनी पड़ेगी कि सर ऐसा कुछ भी नहीं था या जो भी है। यदि वो मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो फिर आपको यूएफएम लगेगा, फिर समझ लो रिजल्ट नहीं आएगा आपका, होगा वो सब फिर खाल खराब हो जाएगा पूरा साल यार। मतलब नहीं, उन्होंने यूएफएम लगा दिया तो, यदि नहीं लगाया तो आपका रिजल्ट आएगा। सर, उन्होंने दूसरी कॉपी भी दी है मेरे को सर। दूसरे कॉपी दी थी आपको? अरे सर उससे कोई मतलब नहीं है, यदि नकल पकड़ी गई है, सेम टू सेम होगा तो 100% यूएफएम लगेगा, समझ लो। मैंने दूसरी कॉपी में बिना देखे सब लिखा है सर। दूसरी कॉपी में बिना देखे लिखा है, क्या लिखा है बिना देखे? जो क्वेश्चन पेपर अटेंड किया सर मैंने, नहीं पहले सुनो बिना देखे, तो, पहले सुनो 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 वाले में बिना देखे लिए लिखा था। पहली वाली जो कॉपी लिखी होगी तो यस सर। वो भी तुम्हारी बही जाएगी, सेकंड कॉपी है वो भी तुम्हारी बही जाएगी। हाँ, फर्स्ट कॉपी में जो आपका नकल देखी गई है, वो दोनों नकल मिलाएंगे, फर्स्ट कॉपी रखेंगे एक साइड में, ठीक है? एक साइड में आपकी फर्स्ट कॉपी रखी होगी और एक साइड में आपकी नकल होगी, ठीक है? उन दोनों को मैच किया जाएगा कि ये दोनों मैच कर रही है नहीं कर रही है। अब मैच नहीं करेगी तो वो आप नकल नहीं मानो जाओगे, समझ रहे हो? 90% है? 90% चांस तो ये फेल, हम्म, पर वैसे 90% चांस तो फेल ही करते हैं अगर वो, हाँ वो वो तो तो हो रहा है, वही तो तुमसे कह रहा हूँ कंप्लीट करते ना, मतलब तो वही तुमसे बोल रहा हूँ कि एक चेक जरूर करेंगे वो, ऐसा नहीं है चेक ना करेंगे, आपकी कॉपी को देखेंगे जरूर कि नकल है या नहीं है। आप मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी जाके देख लेना एक बार, एक बार आप हैं अपने एक बार। टीचर से, जो कॉलेज टीचर है उनसे एक बार संपर्क करिए, वो आपको करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। उनकी सब मतलब समझ रहे हो, यूनिवर्सिटी में सबको जान पहचान होती है और वो लोग जाते रहते हैं, कहाँ क्या कराना होता है उनको कराते रहते हैं। जी एक बार कंफर्म करके देख लीजिए, कोई दिक्कत ना है, उनसे एडवाइस लीजिए, थोड़ी सी जानकारी लो। जानकारी लेने से कुछ नहीं होता, मतलब जानकारी मिलती है तो बढ़िया है, ठीक है? बाकी कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। यूपी में होते तो कोई दिक्कत ना थी यार, यूपी में कुछ होता ना तो कोई दिक्कत ना थी, मैं बोल देता उनसे, शायद है हमारे एक जान पहचाने उनसे। वैसे 90% सिस्टम सर एक एक जैसा तो होता है, लेकिन बात यह है ना, हम लोग यूपी के पढ़ जाते हैं, आप लोग अब राजस्थान के हैं तो अलग चीज है ना। डिस्ट्रिक्ट हो राजस्थान स्टेट हो। अब वही तो, मतलब यहां का बंदा वहां कैसे जानकारी रख सकता है? वही वही, ऐसा कोई यूपी में यूनिवर्सिटी होता तो हम करा देते, कोई दिक्कत हो, क्योंकि यहाँ जान पहचान है लोगों की, जाते रहते हैं इनकी कॉलेजों में, कैसा क्या होता है, बच्चे नहीं जाते हैं कॉलेज तो भी उनका अटेंडेंट लगती रहती है, वो ऐसा सिस्टम है यहाँ कुछ कुछ कॉलेजों में, प्राइवेट जो कॉलेज होते हैं। कोई नहीं, ठीक है, बाकी कोई इशू है तो बताना, ओके? ठीक। तो गाइस आपने देखा, ये बी फार्मा का बच्चा था, बी फार्मेसी जिसे बोल सकते हैं, तो उनकी नकल पकड़ी गई थी आज। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कभी भी आप नकल लेके ना जाएं। लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं नकल लेके नहीं गया था, किसी ने मेरी विंच के नीचे फेंक दिया, तो ये क्या है मुझे पता नहीं, सच है या झूठ। लेकिन अपनी सफाई के लिए हर एक इंसान झूठ बोलना चाहता है, ये तो क्लियर है। तो आप खुद जानते हो कि यार आप गलती करोगे और गलती पकड़ी जाने पर आप झूठी बोलोगे, सच तो नहीं बोलोगे कि मैं लेके ही आया था, ठीक है? 90% तो झूठ ही बोलोगे, बाकी तो 10% हो सकता है उसमें कुछ सच्चाई हो जो आपको बचाती हो, तो वो चीज़ है। तो आप मेरे हिसाब से आप बेहतर तैयारी करो यार, अच्छे पढ़ के जाओ, क्योंकि जो हम आपको बताते हैं बस वही पढ़ के चले जाना। मैं आपसे वादा करता हूँ यार, फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है। आप डी फार्मा, बी फार्मा, जिसमें भी तैयारी कर रहे हैं, बी एल एड, डी एल एड, यार सबके नोट्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, नोट्स जो आप पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हो, ये देखिए। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, कॉल कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? थैंक यू, बाय बाय।